2010 में नक्शा पास, 2016 में बनकर तैयार। कहानी उस बिल्डिंग की जहां दफन हो गई 8 जिंदगियां। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार शाम करीब 5 बजे 3 मंजिला इमारत ढहने से इस घटना में 8 लोगों की जान चली गई। हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जिस इमारत में ये हादसा हुआ वो महज 8 साल पहले बनी थी। इसके निर्माण के लिए विधिवत योजना बनाई गई और इस योजना के मुताबिक लखनऊ विकास प्राधिकरण से साल 2010 में नक्शा पास हुआ। इसके बाद अगले साल ही यानी कि 2011 में इस इमारत का निर्माण कार्य शुरू हुआ। साल 2015-16 में ये इमारत बनकर तैयार हो गई। इस इमारत की गुणवत्ता जांच के बाद प्राधिकरण से साल 2020 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया। हादसे पर अब जरा डीसीपी आरएन सिंह को सुनिए, क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कैजुअल्टी हुई है और कितनी अब इनकी व्यवस्था है, सुनिए जरा। अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनकी जो इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयां हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या में क्या है? मृतकों की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जो जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं, बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। कितना क्या कुछ अनुमानित लग रहा है, कितने समय में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया? हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। अब जब भवन की गुणवत्ता जांच के बाद प्राधिकरण से साल 2020 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया था तो इसके बाद इमारत को किराए पर दे दिया गया। भवन निर्माण नियमावली के सभी नियमों का पालन होने के बावजूद ये इमारत 10 साल भी अपनी नींव पर खड़ी नहीं रह पाई। सवाल इमारत के ढांचे को लेकर उठा। इसके चलते अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्य प्रणाली घेरे में आ गई। हादसे के तत्काल बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मामले की जांच शुरू कर दी। बता दें कि शनिवार को यहां 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी और इस हादसे में इमारत के अंदर काम कर रहे 8 लोगों की जान चली गई, वहीं 28 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लखनऊ विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक इस भवन का नक्शा आलमबाग के समर विहार निवासी कुमकुम सिंघल ने 31 अगस्त 2010 को पास कराया था। इसके लिए प्राधिकरण ने परमिट संख्या 294/74 जारी की थी। प्राधिकरण के लिए प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी अतुल कृष्ण सिंह के मुताबिक इस इमारत के निर्माण का काम पूरा हो चुका था। आशंका है कि 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी इस इमारत के निर्माण में लापरवाही बरती गई। बड़ा सवाल ये है कि जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने क्वालिटी चेक करते समय इस गड़बड़ी की अनदेखी का अंदाजा क्यों नहीं लगाया, जब तमाम सर्टिफिकेट पास कर दिए गए उसके बावजूद इस इमारत की बुनियाद इतनी खोखली क्यों निकली कि ये 10 साल भी झेल ना सकी, 10 साल भी जमीन पर टिक ना पाई।